संविधान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आज ही के दिन हमारा संविधान जो था वह पारित हो गया था और बहुत सारे नियम भी आज ही के दिन लागू कर दिए गए थे। तो इसीलिए आज हम सेलिब्रेट करते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे हर एक साल। ठीक, तो इस शुभ अवसर पे आज हम डिस्कस करेंगे अपने संविधान को बहुत ही अच्छे तरीके से। सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि इसमें इतने आर्टिकल्स हैं और इतने पार्ट हैं, इसकी शुरू से हम हिस्ट्री को जानेंगे और संविधान होता क्या है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे पहलुओं को हम डिस्कस करेंगे। भले ही आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो या नहीं हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो या ना करते हो, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप CA हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानते हैं, अपने संविधान के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं अपने अधिकारों से और अपने देश के बारे में आपको बहुत कुछ नहीं पता होगा। तो आप कोई भी हो, ये वीडियो आप सबके लिए है, तो अब मुझे लगता है कि आपको जरूर देखना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि संविधान होता क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये इन सारी बातों को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो इन सारी जो जितने भी सवाल हैं यहाँ पे, इन सबको हम समझ लेंगे आज, और उसके बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पक्का प्यार हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, है क्या? तो बेसिकली ये है क्या, इट इज अ रूल बुक विच हेल्प्स द गवर्नमेंट टू रन द कंट्री, है ना, कि ये देश को चलाने में सरकार की मदद करती है। एट द सेम टाइम इट लिमिट्स द पावर ऑफ अ गवर्नमेंट एंड इट डिटरमाइंस ऑल द पावर ऑफ कॉमन पीपल, कि आम जनता के पावर्स के बारे में बताता है और सरकार के पावर को कम करता है ना, उसे डिक्टेटर बनने से रोकता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन और अनरिटन, इट कैन बी वेदर रिटन और अनरिटन, दैट डजेंट मैटर, ये लिखा हुआ भी हो सकता है और बिना लिखा हुआ भी हो सकता है। ये है क्या, कुछ फंडामेंटल लॉज बनाए गए हैं जिसके हिसाब से उस जगह को चलाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के कुछ भी रूल बना देगा, ऐसा नहीं होता। तो वो रूल जो है वो प्री रिटन है, अब हम उसी के हिसाब से चलेंगे, बट टाइम टू टाइम इट नीड्स टू बी चेंज, तो उस समय पर हम चेंज करते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड अमेंडमेंट्स, है ना। तो मतलब ये है कि एक ऐसा किताब जिसमें बहुत सारे रूल्स बनाए गए, हर एक सिनेरियो को उसमें ध्यान में रखा गया कि ऐसा होगा अगर राष्ट्रपति की किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है या फिर राष्ट्रपति नहीं उपलब्ध होते हैं तो उसमें पर कौन लीड करेगा, प्रधानमंत्री उपलब्ध नहीं होते तो कौन लीड करेगा, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कौन लीड करेगा, हर एक सिनेरियो को उसमें डिस्कस किया गया। ठीक है, इससे क्या होता, इसका फायदा क्या, फायदा ये है कि हमें पता है हर एक सिनेरियो का कि क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, हमें अनिश्चितता नहीं है ना, कोई भी ऐसा नहीं है, केओटिक नहीं है कि अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, सब कुछ पहले से ही रिटन है ऐसा लगता है ना, जैसे भगवान ने सब कुछ पहले से लिखा हुआ है ना, उस तरह से हमारे देश के लिए हर कुछ पहले से ही लिखा हुआ है कि ऐसा होगा, 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, वहां पर अगर आपको राष्ट्रपति को हटाना है तो आप महाभियोग लगा सकते हैं, इम्पीचमेंट लॉ है आपका, 60 आर्टिकल 61 कहता है, तो आप हटा लीजिए, है ना, समझ में आ रही बात। तो ये सारी चीजें आप पहले से उसमें तय है। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया कि होता क्या है, एक रूल बुक है कॉन्स्टिट्यूशन और इसके हिसाब से देश को चलाया जाता है। ठीक है, इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं लेकिन वो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा, सरकार के हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरह के होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है रिटन और एक होता है अनरिटन। ठीक है, रिटन आर सपोज टू बी रिजिड वेयर एवरी रूल इज कोडेड, है ना, इज रिटन, तो जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, टू चेंज अ रिटन लॉ यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन रूल्स, है ना, सर्टेन प्रोसीजर दैट वी डू इन आवर कंट्री इंडिया, सो इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिटन, इसको हम रिजिड भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज अनरिटन। क्या ऐसा हो सकता है कभी कि किसी कंट्री का अनरिटन भी कॉन्स्टिट्यूशन हो? द आंसर इज यस, एब्सोल्यूटली। जो हम पर रूल कर रहे थे इतने दिनों से ब्रिटेन, उनके पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आ रही बात समझ में? अगर मैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल दूं तो यूएसए, इंडिया, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, तो यहाँ पे मतलब ये क्या है, यहाँ पर हमने लॉज को लिखा हुआ है और अगर हमें किसी भी लॉ को अमेंड करना है तो हमें स्पेशल प्रोसीजर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक, लेकिन अगर ये अनरिटन या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि यूके का है, तो यहाँ पर इसराइल का है,
ठीक है, याद रखिए यहाँ पर कि इसराइल का जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। यूके का भी ऐसा ही कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, कि किसी सिनेरियो में वो लोग रूल बदल सकते हैं, पार्लियामेंट्री मेथड सिंपल, कि एक बैठक होगी और वहाँ पर हाथ खड़े करो भाई रूल बनाना, तो बहुत ही आसानी से कोई भी रूल पास हो सकता है, कोई भी रूल चेंज हो सकता है। लेकिन अगर हमारे यहाँ बात होगी आर्टिकल 370 को हटाते हटाते 70 ईयर्स लग, तो सोच रहे कि यहाँ पे अगर आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड रिजिड समझ में आ रही बात, कि आप आसानी से बदल नहीं सकते चीज़ों को, इसमें टाइम लगता है, यहाँ पर दोनों सदनों में बातें जाएगी, बहुत सारी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़े। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक बैठक होगी, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होगा और वहीं पर रूल को चेंज कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूके का, इसराइल का, ऐसे बहुत सारी जगह और भी है। अच्छा, उसके बाद इसकी शुरुआत कैसे हुई, भारत की बात करें तो भारत में 1934 ईस्वी में एम एन रॉय ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की थी, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा उससे और पीछे जाए तो मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसको नेहरू रिपोर्ट हम कहते हैं ना, 1928 की बात कर रहा हूँ, जिसको स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था, उसमें भी उन्होंने ऐसे ही कुछ ऐसा ही जिक्र किया था। बाद में 1935 में आकर के कांग्रेस ने इसे अपने अडॉप्ट कर लिया और मांग की थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब क्या है, अगर आपको संविधान बनाना है तो उसके लिए एक संविधान सभा भी तो होनी चाहिए ना, जो उसके रूल्स को बनाए, उसके बारे में देख रेख करे। तो उसी के लिए एक इलेक्शन होना था, या फिर किसी भी तरह से उसके मेंबर्स को तो चुना जाना था, तो उसके मेंबर्स को चुने जाने की प्रक्रिया हुई और उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट उसकी काफ़ी लंबी कहानी है, बाद में जा करके इलेक्शन भी हुए, ठीक है, और इलेक्शन में कितने मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे वहाँ पे। अगर मैं बात करूँ, ये भी थोड़ा सा पहलू है आपको देखना चाहिए, तो देखते हैं। तो वहां पर कहा कि ठीक है, आप इलेक्शन करना चाहते हो तो आप इलेक्शन कर सकते हैं। तो टोटल नंबर कितने थे, 389 मेंबर्स को कहा गया कि इतने मेंबर्स होंगे हमारे संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। चलिए, इसमें से क्या कहा गया कि 296 जो थे ये ब्रिटिश इंडिया के मेंबर्स होंगे, एंड कितने बच गए, तो 93 जो थे ये प्रिंसली स्टेट के थे। कौन थे, प्रिंसली स्टेट के थे, आ रही बात समझ में। इतने लोगों को निर्धारित किया गया कि इतने सीट होंगे हमारे संविधान सभा में, 389, और उसमें से 296 पर इलेक्शन होंगे, क्योंकि ये कौन थे, ये थे हमारे ब्रिटिश इंडिया के, और ये तो प्रिंसली स्टेट थे 93 वाले, तो ये इस पे इलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जाकर के जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में इलेक्शन हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट 93, ठीक है, वहाँ पर इलेक्शन हुए, और इसमें से 208 सीटों पर जो है कांग्रेस विजयी हुई थी। आ रही बात समझ में, तो बहुत ही ज़्यादा बहुमत, और यहाँ पर 15 जो थे वो निर्दलीय उम्मीदवार भी थे, तो आप जोड़ सकते हैं, 223 तो यहीं पे हो गए, और जो बचे हुए थे 73 आई गेस, ये जो थे मुस्लिम लीग ने जीता था। किसने जीता था, मुस्लिम लीग, INC, और ये जो थे निर्दलीय उम्मीदवार थे। इसमें फिर 15 औरतें भी थी, 15 वुमन वर ऑल्सो देयर। तो ये कुछ कुछ इस तरह से हमारा संविधान सभा बन के तैयार हो गया, इलेक्शन हुआ था, एडल्ट फ्रेंचाइज, रिस्ट्रिक्टेड एडल्ट फ्रेंचाइज था यहाँ पे, मतलब कि वोटिंग राइट्स जो थे, जो अभी हमारा दिख रहा उस तरह का नहीं था, ठीक है। तो ये इलेक्शन हुआ, इसमें लोग जीत के आ गए, और पहला जो हमारा संविधान सभा की बैठक हुई थी पहली बार, वो हुई थी कब, 9 दिसंबर को। कब हुई थी, 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अच्छा, इलेक्शन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर वही मैं आपको जो स्टोरी बता रहा था कि यहाँ पर कहा गया कि अरे किसको किसको प्रेसिडेंट बनाया जाए, किसको प्रेसिडेंट बनाया जाए, तो जो सबसे बुजुर्ग इंसान थे, है ना, हमारे घर में यही होता है, कुछ भी जब बहुत ही बड़ा सा बिल फट जाता है और किसी को समझ नहीं आता करना क्या, सबसे बड़े को उठा के सामने ले आते हैं, ताऊ जी आप देख लो। तो वही हुआ कि सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द एल्डेस्ट वन एट द टाइम, एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट सच्चिदानंद सिन्हा विल बी लीडिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ही वॉज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऐसा नहीं था कि वो इलेक्टेड नहीं थे, उनके लिए वोटिंग नहीं हुई, सबकी सहमति से एनोनिमसली उनको बना दिया गया था एक दिन के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेम्पररली जो बने थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगली जो बैठक हुई वो हुई कब, 11 तारीख को, 11 दिसंबर को, और उस दिन फिर इलेक्शन हुआ, और उस दिन फिर राष्ट्रपति जो हमारे पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको ही चुना गया वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। वहाँ पर एक और इंसान थे बहुत ही महत्वपूर्ण, उसका नाम था बी एन रॉय। बी एन रॉय को बनाया गया था वहाँ पर एडवाइज़र ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, या कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी कह सकते हैं, कि संविधान सभा का एडवाइज़र बनाया गया था उन्हें,
कि वो देख रेख करेंगे, और वो बहुत ही बड़े वकील भी थे और उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे संविधान को बनाने में। तो इस तरह से कुछ शुरू हुआ था हमारा संविधान का, जो एक संविधान की जर्नी थी वो ऐसे शुरू हुई थी। ठीक है, फिर वहाँ से शुरू हुआ और हमारे संविधान सभा में 22 कमिटीज बनाई गई थी टोटल। उसमें से एक कमेटी थी, दैट इज ड्राफ्टिंग कमेटी। आवर ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज फॉर्म्ड ऑन 29th of August 1947, आफ्टर 14 days ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे, है ना। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ और 14 दिन के बाद हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी जो था वो बना था। देर वर 7 members इन दैट कमेटी, और हम उसका नाम जानते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे हमारे, जो कि चेयरपर्सन थे, उस प्रेसिडेंट थे उस कमेटी के। जब लास्ट में आखिरी बार जब फरवरी में जाकर के हमने ड्राफ्ट को सबमिट किया, तो उसके लिए 32 दिनों तक चर्चा हुई, और उसके बाद सबने लगभग 7500 मामलों में लोगों को प्रॉब्लम्स थी, और लगभग 2500 के आसपास पर बहुत ज़्यादा चर्चा की गई, और उसके बाद हमारे संविधान को पूरी तरह से बनाकर तैयार किया गया। संविधान बनने की प्रक्रिया के बाद जब 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, लगभग 3 बार हमने अपने ड्राफ्ट को सबमिट किया। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए, और 64 लाख रुपए, यानी 6.4 मिलियन रुपीज एट दैट टाइम, सम कॉस्ट मैन, तो इतना खर्चा हुआ इसको बनाने में। ठीक है, और 20 नवंबर, आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। क्या आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को वो कौन से नियम थे जो कि लागू कर दिए गए थे? जी हाँ, कुछ ऐसी भी चीज़ें थी, कुछ ऐसे भी रूल थे जिनको 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था, जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शन। के बाद हमने 26 जनवरी तक का इंतजार क्यों किए हैं? 105 अमेंडमेंट्स हमने कर दिए हैं, मोर देन 10 कंट्रीज से हमने कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों को एडॉप्ट किया।